हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास फोर्थ। आज हम हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स, चैप्टर वन, वार्म अप। ठीक है, तो चैप्टर वन वार्म अप। वार्म अप मीन्स क्या है बच्चों? जो आप थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज वन है आपकी, क्वेश्चन नंबर वन, राइट द न्यूमरल्स इन द बॉक्स विच हैज़। यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ डिजिट्स दिए हैं, तो उनको आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं आपको इसमें से पहले, सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता करनी है आपको। यहाँ पर देखो, थाउजेंड, हंड्रेड, वंस, टेंस, ये कुछ लिखा है, तो मैं आपको समझाऊंगी पहले। हम हमारा कोई नंबर, फोर डिजिट का नंबर होता है, तो उसमें फोर प्लेसेस होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ठीक है, तो वंस को हम ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को टी से, हंड्रेड को एच से और थाउजेंड को टी एच से। तो मैं यहाँ पर आपको सेकेंड वाला समझाती हूँ। देखो, सेकेंड वाले को आपको सबसे पहले आपका क्या लिखा है, 900। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 लिखा है तो 100 पे लिख देंगे हम। टू वंस, तो टू को वंस पे लिख देंगे। थ्री टेंस, तो टेंस की जगह क्या आ जाएगा, थ्री। और फाइव थाउजेंड, तो थाउजेंड की जगह हम लिख देंगे फाइव। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो डायरेक्ट लिख लेंगे उसको देख के, नहीं तो पहले आप अरेंज करेंगे उसको, फिर बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया नंबर, 5000, 900, 32। समझ में आया? एक और करके बता रही हूँ मैं, डी वाला करके देखेंगे। डी वाला बता रही हूँ मैं, क्या लिखा है, 9 वापस लिखते हैं, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे चलते हैं। तो फर्स्ट लिखा है 9000, 9 की प्लेस वैल्यू क्या बताई है, थाउजेंड। टू की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। और वन की प्लेस वैल्यू वंस है, तो हंड्रेड पे तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या आप 3 to 1, 9 to 1 लिख देंगे? नहीं, 100 पे अगर कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। तो आपका नंबर हो जाएगा 9 0 2 1। आपका नंबर क्या हो जाएगा, 9 0 2 1। बाकी के भी दो आपको खुद सेल्फ करने हैं, ठीक है? जो मैंने छोड़े हैं वो आपको सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यूज द डिजिट्स गिवन ऑन द कार्ड्स एंड फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स। आपको ये फोर कार्ड्स दिए हैं, 1 2 3 और 4, ये फोर कार्ड्स दिए हैं आपको। इससे एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर, और स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा नंबर। तो लार्जेस्ट तो आप सब बना लोगे। लार्जेस्ट कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस कार्ड में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो लार्ज होगा, 8। फिर उससे छोटा नंबर ले लोगे, फिर उससे छोटा ले लोगे और फिर उससे छोटा ले लोगे। तो आपका ये लार्जेस्ट नंबर आ गया। लार्जेस्ट नंबर क्या आया, 8740। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट तो आप बोलोगे कि इसका मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है? तो आप कर दूंगा या कर दूंगी मैं, हम उल्टा कर देंगे अगर। तो उल्टा करते हैं तो 0 आप पहले लिख दोगे, फिर 4 लिख दोगे, 7 लिख दोगे, फिर 8 लिख दोगे। तो ये क्या स्मॉलेस्ट नंबर सही है? नहीं, ये गलत नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या बोला है आपको, फोर डिजिट का नंबर बोला है, और ये थ्री डिजिट नंबर हो गया, 478 हो गया, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है।
तो इसलिए हमको ये हमारा आंसर गलत हो गया, तो हम इसको रब करेंगे। अभी मैं आपको सही आंसर लिख के बताऊंगी। सही आंसर क्या होगा, जीरो से फिर हम बड़ा नंबर लेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, फोर, फिर उसके बाद आएगा ज़ीरो, फिर एट से छोटा है सेवन और एट, तो आपका फोर डिजिट नंबर क्या हो गया, 4078। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ईच ग्रुप स्प्लिट द नंबर गिवन इन द ट्राइंगल इन थ्री पार्ट्स एंड फिल द ब्लैंक सर्कल। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यस ऑफ कोर्स, आपको पहला करके दिखाया है बुक में कि आपको एक ट्राइंगल बना के बताया है, उसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं 120, 150, 405 और 135 आंसर है। समझ में आया, यहाँ पर ये रेड कलर से लिखा है, ये 135 आंसर है। तो इसने क्या किया है, 120 और 150 को प्लस किया और जो 405 है उसमें से माइनस किया, तो 135 आंसर आया है। तो हम उसी तरह मैं आपको एक दो सवाल और करके बताऊंगी, दो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर बी आपको करके बता रही हूँ। ट्राइंगल में दो सर्कल में आपके पास क्या क्या नंबर है, 240 और 360। तो हम इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, जीरो का जीरो, सिक्स और फोर टेन, जीरो कैरी वन, थ्री और टू फाइव और वन 600। टोटल क्या आया आपके पास, 600। तो आपको तीसरा नंबर पता करना है, तो जो आपको सेंटर में नंबर दिया है 730 माइनस क्या कर दोगे, जो दो नंबर का सम आया है उसको माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा 130। तो मैं भी रेड कलर से लिख देती हूँ यहाँ 130। ठीक है, अब एक मैं करके बता रही हूँ आपको, डी वाला करके बता रही हूँ। इसमें मैंने डी क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें साइड में नंबर दिए थे, फिर आप बोलते हैं टीचर ने तो दोनों में सेम बता दिया, ऊपर वाले ही सर्कल में जो नंबर था, जो मिसिंग नंबर था वही वाला बता दिया, इसलिए मैंने डी चूज किया है। इसमें ट्राइंगल में ये वाला और ये वाला नंबर लेना है हमको। अभी हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 999 में से माइनस कर देंगे, तो आपको प्लस किन किन को करना है, 532 और 259, ये दो नंबर को आपको प्लस करना है। क्या आया, 9 और 2 11, कैरी वन, 5 और 3 8 और 1 9 और 7 791, ये आपका नंबर आया है 791 को आपको बीच वाला सेंटर में जो नंबर दिया उसमें से माइनस करना है 999। पेन प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस क्या आया था 791, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
नाइन में से वन गए तो एट, फिर नाइन में से नाइन गया तो ज़ीरो, और नाइन में से सेवन गए तो आंसर आया 208। तो आपका आंसर क्या हो गया? टू 08। आपका आंसर क्या हो गया? 208। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डू एज डायरेक्टेड एंड फील द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। जैसे जैसे डायरेक्शन दिया है, जो एरोज हैं वो डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सबसे फर्स्ट बॉक्स में दिया है आपको 745 नंबर, फिर एरो में क्या लिखा है, 745 में आपको क्या ऐड करना है, 200। तो 745 में आप 200 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 945, 945। अब 945 में से आपको बोला है कि 75 सबट्रैक्ट करने के लिए, 945 में से आपको 75 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 870। माइनस करने के बाद आपके पास नंबर आएगा 870। अब वो बोल रहा है आपको कि सबट्रैक्ट 125, तो आप 870 में से 125 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 745 नंबर। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू गेट इन द एंड, एंड में वापस आपके पास कौन सा नंबर आया, 745। क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी आर द मिड पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए और बी, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द टू गिवन नंबर्स। आपको दो दो नंबर दिए, उनके बीच वाले पॉइंट्स हैं। व्हाट नंबर विल यू पुट इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। आप ए की जगह और बी की जगह क्या नंबर रखेंगे, तो वो आप कैसे पता करेंगे। यहाँ तो आप बोल दो कि ये 1000 है और 2000 है, तो 1000 प्लस 2000 कितना हो गया, 3000। 3000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1500। सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 500 प्लस 750, तो कितना आ गया आपके पास, 1250, राइट। अब इसको आपको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ये आप करोगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम ऑफ 126 एंड 311। तो इसमें आपको 126 और 311 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस। तो पहले हम राउंड ऑफ कर ले, राउंड ऑफ करेंगे हम 126 को। 126 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, उसका नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस देखने के लिए हम उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, 6, 5 से बड़ी है, इसलिए हम इसको 130 लिख देंगे, है ना। और उसी तरह 311 का राउंड ऑफ करेंगे 10 से, तो यहाँ हम लास्ट डिजिट देखेंगे तो वो क्या है, 1, तो वो 5 से छोटी है, इसलिए हमने नियरेस्ट टेंस के लिए इसको कर दिया 310। तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द एक्चुअल सम ऑफ, क्या पूछा है, सम प्लस करना है। सम ऑफ आ गया मतलब आपको प्लस करना है, तो
सो द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 130 + 310, तो आ जाएगा आपका 440. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. राउंड ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स, जैसे हमने टेंस को किया नियरेस्ट, अब 100 करना है. दो नंबर दिया है आपको, 538 और 295, और आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ भी करना है. और यहाँ पर सम की जगह क्या लिखा है, डिफरेंस लिखा है, मतलब आपको माइनस करना होगा. सॉल्यूशन देखेंगे आप सभी. राउंड ऑफ 538, तो 538 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500. इसमें हम टेंस वंस डिजिट देखते हैं, ठीक है. तो 50 से कम है इसलिए ये हो गया 500. 538 में 38 क्या है, 50 से कम है इसलिए इसका हो गया 500 राउंड ऑफ. और 295 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 50 से अबव है तो 300. सो द difference of two number equals to 500 minus 300 equals to 200. तो 200 आपका आंसर हो गया. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8. घड़ी तो सबको देखने आती होगी. लुक एट द टाइम इन द क्लॉक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ आपको घड़ी से, घड़ी देखने सबको आती है, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन ए में पूछा है आपको कि अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो वो आपको लिखना है. मैं नहीं बताऊँगी, आपको लिखना है वो देख के कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What time will it be after half an hour? आधे घंटे बाद इस घड़ी में क्या टाइम हो जाएगा, वो भी आपको लिखना है. सी वाला थोड़ा टिपिकल है तो मैं करके आपको बता रही हूँ. What time was it 1 hour and 15 minutes ago? एक घंटे और 15 मिनट पहले इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर सी में. तो पहले तो एक घंटा इस घड़ी को आगे कर दो, तो कितनी बज रही होगी, 5:15. और 15 मिनट एगो मतलब 15 मिनट इस कांटे को और इधर खिसका दो, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 o'clock. क्या आ जाएगा, 5 o'clock. Write the fraction, question number 9. Write the fractions in the boxes shown in the following figure by the shaded portion. आपको shaded portion दिख रहा है, book के अंदर भी दिखेगा आपको. तो first fraction लिखना है. Fraction लिखने के लिए आप क्या करते हैं,
पहले पूरे डायग्राम के कितने पार्ट हैं वो काउंट कर लोगे, फिर उसके अंदर कलर्ड पार्ट कितना है वो काउंट करके लिखते हैं। इन तीन तीन दिए हैं आपको, उसमें मैं एक समझा रही हूँ ये वाला, इसके आप पार्ट गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 8 पार्ट्स। तो हमने लिख दिए नीचे 8 पार्ट्स। अब इसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3। 3/8 इसका फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर हाउ मच इज। जो जो मैं छोड़ रही हूं वो आपको करना है खुद सेल्फ। राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर्स हाउ मच इज। अभी यहां आपको क्या लिखा है? 3 times of 18। 18 को आपको 3 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 times 18 लिखा है तो क्या आएगा आंसर? 3। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 18 plus 18 plus 18, 3 बार प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, 18 multiply by 3, तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 8 जा 24, 4 carry 2 3 1 जा 3 और 2 5, क्या आ गया? 54। बी में देखो, 5 times 20। तो हम बार बार 20 20 20 20 ऐसे 5 times नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 20 multiply by 5। तो क्या आ जाएगा? हंड्रेड, राइट? 20 multiply by 5 5 0 5 2 जा 10, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। 3 times 100, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 300। मैंने 3 कर दिए, 3 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड कर रही हूँ। अनिल हैज ₹844 इन हीज बैंक अकाउंट। अनिल के पास कितने रुपीज़ हैं? 844 उसके बैंक के अकाउंट में। वाइल सुमित हैज ₹638 और सुमित नाम का लड़का है, उसके पास 638 रुपीज़ हैं उसके अकाउंट में। तो हाउ मच मोर मनी डज अनिल हैव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अनिल के पास और कितने ज़्यादा पैसे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? अनिल हैज रुपीज 844, सुमित हैज रुपीज 638, माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गए तो 6, 3, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में 6 गया तो 2। तो सुमित के पास, सॉरी अनिल के पास, सो अनिल हैज रुपीज 206 मोर, 206 रुपए अनिल के पास और ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वीना बॉट 3 kg 275 ग्राम पोटैटोस। वीना ने 3 kg 270 ग्राम पोटैटोस खरीदे एंड 2 kg 25 ग्राम टोमेटोस खरीदे। तो आपसे क्या पूछा है? टोटल। टोटल आ गया मतलब आपको क्या करना है? प्लस। टोटल उसने कितने वेजिटेबल्स खरीदे, तो क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशंस? ये सब आपको जो भी मैं वर्ड प्रॉब्लम करवा रही हूँ वो अपनी नोटबुक में आपको नोट करनी है चैप्टर डाल के।
पोटेटोस इक्वल्स टू 3 kg 275 grams. टोमेटोज इक्वल्स टू 2 kg और 25 grams. नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे तो आपको प्लस करने में माइनस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, देखो जैसे जी जी और ग्राम के नीचे वापस मैंने क्या लिख दिया, ग्राम. आपको प्लस करना है, 5 और 5 10 का 0 carry 1, अगेन 7 और 2 9 और 1 10 0 carry 1, 2 और 1 3, 300 ग्राम हो गया. अब वापस केजी के नीचे हम केजी लिख देंगे और 3 और 2 कितना हो गया, 5. 5 kg, 5 kg 300 ग्राम उसने वेजिटेबल्स खरीदे. तो हम लैंग्वेज में नीचे लिख देंगे, सो शी बॉट मीन्स होता है खरीदना. शी बॉट टोटल 5 kg 300 ग्राम वेजिटेबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13. अ बॉटल हैज 800 ml मेडिसिन इन इट. एक बॉटल है उसके अंदर 800 ml दवाई है. मेडिसिन मीन्स दवाई. इफ ईच वन ऑफ 275 पेशेंट्स, पेशेंट्स कितने हैं, पेशेंट्स मीन्स मरीज, जो मरीज हैं वो कितने हैं, 275, इज गिवन 1 ml, हर पेशेंट को 1-1 ml दवाई दे दी है, हाउ मच मेडिसिन इज लेफ्ट इन द बॉटल. तो आपकी बॉटल में कितनी दवाई बची ये आपको बताना है. तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, अ बॉटल हैज 800 ml मेडिसिन. पेशेंट्स कितने हो गए आपके पास, 275. ईच पेशेंट गैव मेडिसिन. हमने जो मेडिसिन दी है वो कितनी दी थी, इक्वल्स टू 1 ml. तो आपने कितनी दवाई पिला दी उनको, टोटल 275 पेशेंट मल्टीप्लाई 1 ml इक्वल्स टू 275 ml दवाई आप पिला चुके हैं. तो आपकी बॉटल में दवाई कितनी बची ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 800 ml माइनस 275 ml. तो आपके पास कितनी दवाई बची, माइनस करें, 10 में से 5 गए तो 5. मैंने फिर बोल रही हूँ, नंबर के नीचे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है. फिर हमने इससे कैरी ली थी इसलिए इसको 9 बनाया, 9 में 7 गए तो 2, और 8 में से नहीं जाएगा, हमने फिर कैरी ले ली इससे तो उसको 7 बना देंगे, 7 में से 2 गए तो 5. 525 ml हमारे पास मेडिसिन और बची. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. अ बंडल ऑफ प्लास्टिक पाइप मेजर 32 meter 80 cm. अरुणा कट्स ऑफ 15 meter 25 cm पाइप. एक बंडल में प्लास्टिक का पाइप था, उस वो पूरा कितना था, 32 meter और 80 cm.
और उसमें से अरुणा ने उसको कितना काट दिया, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स कितना बचा, लेफ्ट मीन्स बचना है ना, कितना पाइप आपके पास बचा वो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 32 मीटर 80 सेंटीमीटर बचा हुआ पता करने के लिए हम उसके अंदर से जो काटा हुआ पाइप है उसको माइनस कर देंगे, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के नीचे आप सेंटीमीटर लिख दें, जीरो में से फाइव नहीं जाएगा, हम एट से कैरी लेंगे, टेन बनाएंगे, टेन में से फाइव गया तो फाइव, सेवन बनाएंगे एट को, सेवन में से टू गए तो फाइव, मीटर के नीचे वापस मीटर लिख दिया। अब टू को ट्वेल्व बनाएंगे थ्री से कैरी लेके, ट्वेल्व में से फाइव गए तो कितने बचे, सेवन, थ्री को काट के टू बनाएंगे, टू में से वन गया तो वन, 17 मीटर 55 सेंटीमीटर आपके पास और बचा। तो हम लिख दे, सो 17 मीटर 55 सेंटीमीटर पाइप इज लेफ्ट इन द बंडल। क्वेश्चन नंबर 15, एमी अरेंजेस 124 वुडन ब्लॉक्स इक्वली इन फोर रोज। एमी ने 124 वुडन ब्लॉक्स को चार रो के अंदर बराबर बांटा। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स शी पुट इन अ रो। तो क्या करेंगे हम, टोटल वुडन ब्लॉक्स कितने थे आपके पास, 124, और उसने कितनी रो में बांटा है, चार में। तो आप उसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फोर, फोर की टेबल में 12 कितनी बार आता है, थ्री बार, तो फोर थ्री ज़ार 12, टू में से टू गया ज़ीरो, वन में से वन गया ज़ीरो, हम यहाँ से फोर को नीचे उतारेंगे, फोर फोर वन जा फोर, माइनस किया, फोर में से फोर गया तो ज़ीरो ही लिख देते हैं, चलो। तो हमारे पास रिमाइंडर भी नहीं बचा और हमारा आंसर क्या आ गया, 31। तो हम क्या लिखेंगे, सो शी पुट्स 31 ब्लॉक्स, एक रो में उसने कितने ब्लॉक्स रखे, 31 ब्लॉक्स इन अ रो। ये था हमारा छोटा सा रिवीजन पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ ऑफ द चॉकलेट्स सोल्ड बाय फोर पर्सन इन अ डे। टीना, नीना, विवेक, रोहित, ये चार पर्सन हैं और इन्होंने इतनी इतनी चॉकलेट बेची, इसका आपको पिक्टोग्राफ आपको खुद बनाना है। सबने सीख रखा है बनाना और सबको पसंद भी है, इसलिए आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के नेम सभी को याद होने चाहिए। तो फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, जनवरी, January, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। द मिनिट हैंड टेक्स डैश आर टू कंप्लीट अ राउंड,
एक घंटे में कितना टाइम लेता है? मिनट का हैंड जो होता है, मिनट वाला, 60 मिनट्स कितने लेता है? 60। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब नेक्स्ट आपको सी और डी आपको खुद करना है। इन अ नॉन लीप ईयर फेब्रुअरी हैज कितने संडे? नॉन लीप ईयर्स में फेब्रुअरी में कितने लीप ईयर, तो क्या हो गया जिसमें 29 डेज होते हैं, है ना? नॉन लीप ईयर में फेब्रुअरी में कितने संडेज आते हैं आपको लिखना है। 180 मिनट्स में, 180 मिनट में कितने हॉर्स होते हैं ये भी आपको करना है। 1 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 180 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे ये आप लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।